We thank you. धन्यवाद देते हैं. Thank you so much for sending your only begotten son Jesus Christ. धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना एकलौता पुत्र का हमारे लिए भेजा. Through the blood of Jesus Christ. यीशु की लहू से. All of our sins are forgiven. सारे हमारे अपराधों को क्षमा पाए हैं. We thank you, Lord. पिता धन्यवाद. Lord tonight. आज रात पिता. As we listen your word. आपका वचन हम सुनने जा रहे हैं. Help us to be faithful until death. मदद कीजिए प्राण देने तक विश्वास रहे. In order to be faithful before you. आपके लिए विश्वास योग रहने के लिए. Enable us to know your word. आपके वचन को सीखने दीजिए पिता. Teach us tonight. आज रात सिखाए अपना वचन को. According to your word. आपके वचन के अनुसार. Strengthen us through your word. शक्ति दीजिए आपके वचन के अनुसार. We give you glory and honor to you. आपको आदर महिमा देते हैं पिता. In Christ Jesus name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. आमीन. Revelation 20 verse 10. प्रकाशित हुआ 2 का 10 में. Be faithful until death. प्राण देने तक विश्वासी बना रहे. So as a Christian. मसीह होने के बावजूद. Coming as a conference. हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए हैं. We have to be faithful. विश्वासियों के बनना है. Not only during conference. केवल कॉन्फ्रेंस के समय नहीं. Not only in the church. केवल चर्च में नहीं. Not only when we meet our pastor. के जब अपना पास्टर को मिलेगा नहीं. The Bible say until death. वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी योग रहे. Oh, this is very important. ये वचन बहुत ही जरूरत है हमारे लिए. So in order to be faithful before God, परमेश्वर के लिए विश्वासी योग मसीह बनने के लिए. We have to know the Bible from the beginning. परमेश्वर का वचन को आदि से मालूम होना पड़ेगा. So tonight, आज रात. We have to pay attention to the word. परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा. It's very important. बहुत ही जरूरी चीज है. In John chapter 8 verse 32. John का 8:32 में लिखा है. And you shall know the truth. And the truth shall make you free. जब तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा. You shall know the truth. जब तुम सच को जानोगे. What is the truth? सच्चाई क्या है? The truth is the Bible. सच क्या है? सच का मतलब बाइबल है. When you know the truth. जब तुम सच को जानोगे. The word of God. परमेश्वर का वचन. Will give you freedom. आपको आजाद कर देगा. Many times you are full of thinking bad habits. कभी कभी आप सोचते हैं कि बहुत बुराई विचार है तुम्हारे अंदर. Sometimes you are restless. कभी कभी आप सो नहीं सक रहे और आराम ही नहीं मिल रहे जीवन में. You want to be freedom. आप आजाद पाना चाहते हो. So we are searching. हम दूर रह के आराम कहाँ पाएंगे. Even sometimes we want to change our thinking. कभी हम चाहते कि मेरे विचार कल्पनाओं को बदलूंगा. We cannot. परंतु हम नहीं सकता. But the Bible says, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है. You shall know the truth. जब तुम सत्य को जानो. And the truth shall make you free. और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा. So only God's word can give us free. केवल परमेश्वर का वचन ने तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है. In John 17 verse 17. जोहना 17 और 17 में इसे लिखा है. Sanctify them by your truth. सच के उद्धार उन्हें पवित्र कर. तेरा वचन सत्य है. Your word is true. तेरा वचन सत्य है. So only God's word can sanctify us. केवल परमेश्वर का वचन ने तुम्हें पवित्र कर सकता है. I can't sanctify you. मैं तुमको पवित्र नहीं कर सकता हूँ. Even your pastor cannot make you cleanse. आपका पास्टर ने तुम्हें साफ और पवित्र नहीं कर सकेगा. But only the word of God can give you a clean heart. केवल परमेश्वर का वचन ने तुम्हें नया या शुद्ध हृदय दे सकता है.
करता है। It's why God's word can sanctify us, के इसीलिए परमेश्वर का वचन ने हमें स्वतंत्र कर सकता है या पवित्र कर सकता है। We have to pay attention to the word of God. इसीलिए परमेश्वर का वचन पर हमें ध्यान देना होगा। So let me talk about the importance of knowledge. मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा, ज्ञान के जो महत्वपूर्ण बात को बताना चाहूंगा। Knowing the truth means सच्चाई को जानना का मतलब है having a real faith. और विश्वास जो है ना, सच्चा विश्वास पाना। If we are without knowledge, यदि तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान नहीं, we will go astray from God. परमेश्वर से तुम्हें दूर चले जाएगा। Only when we know the truth, the Bible, जब तुम सच्ची परमेश्वर का वचन को जानोगे, we can have a true faith. सच्ची विश्वास तुम्हें पाओगे। So, unless we know the truth, जब तक हम सच्चा को नहीं जानोगे, even if we are in a Christian family, यदि तुम मसीह का परिवार में रहते हुए भी, we cannot go to heaven. स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकोगे। So blind belief is very dangerous. जो अंधे विश्वास बहुत ही खतरनाक चीज है। Believing that are not true. जो विश्वास अंधे विश्वास है, सच्चाई पर यदि तुम विश्वास नहीं रखोगे, we are thinking that might be true. आप सोच रहे कि ये सच हो सकता है, but actually not true. सच में वो सच्चाई नहीं है। So this happen many times. हमेशा वो चीज हो जाता है हमारे जीवन में। You know what you believe. कभी आप करता है कि जो आप विश्वास करते हो। Being a Christian, मसीह होने के नाते, What is your faith? आपका विश्वास कैसा है? So we have to think carefully. अपना विश्वास को सोचना जरूरी है। So conversion of thoughts. अपना विचार को बदल जाना। My thoughts to be in God's thought. मेरा विचार, मेरा मन परमेश्वर का मन जैसा होना जरूरी है। As the Bible say, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55:8 में लिखा है, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारे गीत और मेरा गीत एक सी है। What we are thinking, हमारे जो विचार है, if it is not according to the word of God, यदि परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, we have to change. उसको बदलना होगा। Even the Bible say, परमेश्वर का वचन कहता है, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि मेरी और तुम्हारे गीत में और मेरी और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Even before you came to this conference, इस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले, you have many thinking, आपका बहुत सा विचारों है, even about the whole, और बहुत चीज हॉल के बारे में, ये तंबू के बारे में भी सोचा होगा, even the stage, स्टेज के बारे में भी विचार किया, सोचा भी होगा, even the other churches who are coming, वो जो दूसरों का चर्च कौन कौन आएगा वो भी सोचा होगा, after you came, जब आप यहाँ आया, it might be different, शायद उससे अलग भी हो सकता है। As the Bible say, परमेश्वर का वचन कहता है, God's thinking and our thinking is totally different. परमेश्वर का विचार और तुम्हारा विचार बहुत अंतर है। We have to look to the Bible. परमेश्वर का वचन को देखना जरूरी है। We have to follow what God's like. परमेश्वर का जैसे हमें उसके पीछे चलना होगा। We must change our own thoughts into God's thought. अपना विचारों को परमेश्वर का विचार जैसे बदलना होगा। This is very important. ये बहुत ही जरूरी है। If you are thinking that might be wrong, आपका सोच विचार शायद गलत भी हो सकता है। But if it is true according to the Bible, अगर ये परमेश्वर का वचन के अनुसार होगा, you have to accept it. आपको उसको ग्रहण
करना होगा। Whatever you are thinking may not be the final. आपका विचार शायद उसको निर्णय नहीं ले सकता है। We have to look to the Bible. परमेश्वर का वचन को देखना होगा। In Proverbs 14 verse 12. नीति वचन 14 और 12 वर्ष में ऐसे लिखा है। There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके आनंद में मृत्यु ही मिलती है। What you are thinking? आपका जो विचार है? You are thinking that this is the best. आप सोच रहे हैं कि ये रास्ता बहुत अच्छा मार्ग है। If I go to this way, इस रास्ता में अगर मैं जाऊंगा, this will be the right. ये सच हो सकता है। But the end will be death. परंतु उसका अंत मृत्यु होगा। So we should not rely on our own thinking. इसीलिए केवल अपना सोच विचार के अनुसार चलना नहीं उचित है। Then what we should do is, हमको क्या करना चाहिए? Isaiah 34 verse 16. Isaiah 34 verse 16 में इसे लिखा है। Search from the book of the Lord and read. Not one of these shall fail. Not one shall lack or make. For my mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. यहोवा की पुस्तक में पुस्तक से पढ़कर पढ़ो। इन में से एक भी बात बिना पूरा हुआ ना होंगे, कोई बिना जोजा ना होगा, क्योंकि मैंने अपने मुख से ये जाना आगे दी है और उसकी आत्मा का वचन ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। Even today's world, आज के जमाना में, why we are sending our children to a school? क्यों हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है? Why they study? क्यों पढ़ाई कर रहे बच्चे लोग? Those who are not having knowledge, जो जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं है, they cannot be used even by the government. सरकार ने भी जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं है, सरकार ने भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। But those who have knowledge, जिसके पास ज्ञान है, they will become officer. उन लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन सकता है। They will be employed. उन लोग नौकरी मिलेगा। And they can survive. उन लोग अपना जिंदगी बिता सकेगा। According to the situation of the world, इस संसार की परिस्थिति के अनुसार भी, even those who have no knowledge, जिसके पास ज्ञान कुछ भी ना है, they have to work. अपना बल से हाथ से काम करना पड़ेगा। And those who are having knowledge, जिसके पास ज्ञान है, they can be more rich than others. दूसरों से भी ज्यादा धन पा सकता है। So having knowledge is very important. इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी की बात है। In the same way, इस रीति से, even knowing the word of God is very important. परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। If you do not know the word of God properly, परमेश्वर का वचन को आपने अच्छी तरह से नहीं जाना है, you cannot be faithful before God. परमेश्वर के सामने आपको विश्वास योग्य नहीं बन सकेगा। Unless you know the truth, जब तक आपको सत्य को नहीं जानोगे, you cannot be faithful until that. आपको प्राण देने तक भी विश्वास योग्य ना बन सकोगे। So to know the Bible is very important. परमेश्वर का बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। Does God exist? परमेश्वर सचमुच उत्पन्न हुआ है? Does God exist? परमेश्वर सचमुच अपना उत्पन्न हुआ है? Can you answer me? आप जवाब दे सकते हैं? परमेश्वर अपना उत्पन्न हुआ है? बोलो ना। Yes. Yes. Okay. If it is God exists, यदि God अपना उत्पन्न हो जाती है, then you ever see God? आप परमेश्वर को देख सकता है? अगर परमेश्वर सचमुच उत्पन्न हो गया, आप कभी देख सकते हैं उसको? Without seeing, how can you believe that there is God? आपने कभी अभी तक नहीं देखा है, तो आप कैसे विश्वास कर सकता है परमेश्वर उत्पन्न है?
It's very important to study. ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन को स्टडी करना. In Psalm number 14 verse 1. Psalm 14 verse 1 में इसे लिखा है. The fool has said in his heart, there is no God. मूर्ख के आदमी कहता है कि परमेश्वर नहीं है. There is no God. कोई परमेश्वर है ही नहीं. They have corrupt. उन लोग अपना को मतलब करप हो चुका है. They have done abominable works. उन्होंने सारे गंदगी काम कर चुका है. Even there is none who does good. किसी ने कर्म नहीं कर सका. If you think in your heart that there is no God, यदि तू अपना हृदय में कहता है कि परमेश्वर नहीं है, the Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है, you are a foolish person. आप मूर्ख आदमी है. If you think in your heart, यदि तुम अपना हृदय में सोचते हो, no God, परमेश्वर है नहीं. That means you are a foolish. उसका मतलब तुम मूर्ख आदमी है. That is what the Bible says. ये परमेश्वर का वचन का कहना है. Even in England, इंग्लैंड में, लंदन एक शहर में, there were some people who are called atheists. कुछ लोग जो जाना जाता है एथीस ग्रुप है. They are believing that there is no God. उन लोग कहता है कि शायद परमेश्वर है कि नहीं. And finally they try to make a signboard. उन्होंने साइनबोर्ड शहर में बेस करना चाहा. And they gave it to be written. उन्होंने ऐसे लिखने के लिए कहा है. There is no God. There is no God. परमेश्वर है ही नहीं. But in England they believe in God. इंग्लैंड के लोगों ने परमेश्वर पर तो विश्वास किया है. They don't allow that word. उन्होंने परमेश्वर है नहीं बोलना लिखना मना किया है. Finally, अंत में they wrote it like this. उन्होंने ऐसे लिखा है. There's probably no God. There's probably no God. ऐसे लिखा उसका मतलब है परमेश्वर शायद नहीं है. Now stop worrying. उन लोग बहुत चिंता में हैं. And enjoy your life. उन्होंने ये कह रहे कि अपना लाइफ को एंजॉय करो. Do whatever you want. जो आप चाहिए उसको कीजिए. Eat whatever you like. आप जो पसंद है उसको खाए. Look whatever you want. जो आप चाहिए उसको देखे. There's probably no God. उनका कहना कि हो सकता है परमेश्वर है कि नहीं. That means, उसका मतलब, if you see here, यदि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, there is no God. उन लोग का कहना है, चाहता है कि परमेश्वर है ही नहीं. Why sometimes we don't want God? किसीलिए हम भी परमेश्वर को कभी कभी नहीं चाहते हैं. Mostly on freedom. क्योंकि हम लोग फ्री चाहते हैं. God, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, try to commit some sin, जब हम पाप करना चाहते हैं, we think in our heart, अपने हृदय में ये बात सोचते हैं, God will judge me, परमेश्वर मुझको न्याय करेगा. Because of that, उसी के कारण, if there is no God, यदि परमेश्वर है नहीं, I can do whatever I like, जो मैं चाहूंगा वो कर सकूंगा. That's why we don't want God. इसीलिए परमेश्वर को हम लोग जरूरत नहीं है और हम नहीं चाहिए. इवन इन अ टॉयलेट में भी, इवन इन ऑन द बस, बस का अंदर में, बस का दीवार में भी. सो दे पुट इन मेनी साइन बोर्ड. उन्होंने बहुत साइन बोर्ड हकीकत में ऐसे रखा है. बट द वर्ड इन सो देयर प्रोबेबली नो गॉड. इसका मतलब इतना तो नहीं कह सकते कि परमेश्वर नहीं है बोल के, पर उनका कहना है कि हो सकता है कि परमेश्वर है कि नहीं. When we see the true meaning of this word, इसका सच का अर्थ को अगर आप जानोगे, probably shows that there is God. Probably का मीनिंग जो है, हो सकता है परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. There is God. There परमेश्वर है. There is God. परमेश्वर है. So now start thinking. उन लोग सोच रहा है, there is true God. सच एक परमेश्वर है. And invest your life. अपना जीवन को उसमें बिताएं. In Psalm number
10 verse 4. भजन संहिता 10 चार में इसे प्रकार लिखा है. The wicked in his proud countenance does not seek God. God is in none of his thoughts. दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं. Those who want to commit sin, जो कोई पाप करना चाहता है, enjoy life, जो कोई अपने जीवन को enjoy करना चाहता है, those people don't like God. उन लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए. Because if there is God, यदि परमेश्वर है, He will punish us. परमेश्वर ने उनको सजा देगा. He will judge us. उन लोग न्याय करेगा. That's why sinner don't like God. इसीलिए पापी लोग, दुष्ट लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए. We cannot see God with our own eyes. अपने आँखों में परमेश्वर को नहीं देख सकता है. Do you ever see God? क्या आप कभी परमेश्वर को आँखों में दिखाई दिया? Without seeing, how can you believe? यदि आपने दिखाई नहीं तो कैसे आपको विश्वास कर सकता है? Then how can we know God? हम कैसे परमेश्वर को जानेंगे? How can you know God? परमेश्वर को आप कैसे जानोगे? Even the Bible said in John chapter 1 verse 18. योहन्ना 1:18 में इस प्रकार लिखा है. No one has seen God at any time. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. एक लौता पुत्र जो पिता पिता की पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया. Jesus Christ, यीशु मसीह, is God begotten Son. परमेश्वर का पुत्र है. Jesus declared that there is God. यीशु मसीह ने प्रकट किया है कि परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. When we see God, Jesus, जब हम जीसस यीशु मसीह को देखेंगे, we can know a true God. हम लोग सच्चे परमेश्वर को जान सकता है. Why people can't see God? क्यों लोगों ने परमेश्वर को नहीं देख सकता है? John chapter 4 verse 24. योहन्ना 4:24 में इस प्रकार लिखा है. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वालों आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. So we cannot see a spirit. इसी हम लोग आत्मा को दिखाई नहीं देती है. God exists. परमेश्वर उत्पन्न हुआ है. But being a spirit, वो आत्मा में है. We cannot see him. इसीलिए हम उसको नहीं देख सकता है. Even Moses. Moses, मूसा ने भी He prayed to God. He prayed to God. परमेश्वर से प्रार्थना किया. To allow him to see him. उसको देख सकने के लिए प्रार्थना किया. But what God said to him? परमेश्वर ने मूसा से कहा. In Exodus 33 verse 20. निर्गमन 33 verse 20 में इस प्रकार से लिखा है. But he said, "You cannot see my face, for no man shall see me and live." तू मेरे मुख का दर्शन कर करके जीवित नहीं रह सकता. No one can see God. कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता. Even Moses could not see God. मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देख सका. Even this day, ये आजकल में भी many people say that I have seen God. बहुत से आदमी लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा है. It was so bright. वो बहुत रोशनी ज्योति में है. Oh, when I was praying, जब मैं प्रार्थना किया, I have seen God. परमेश्वर को दिखाई दिया. Do you believe? आप विश्वास करते हो? If they really see God, यदि सचमुच परमेश्वर को देख They will die. उन लोग मर जाएगा. If someone come to you, यदि कोई तुम्हारे पास आएगा, and say that I have seen God with my own eyes, अपना आँखों में मैंने परमेश्वर को देखा है, and if he's still alive, अगर वो अभी भी जीवित है और नहीं, just say to that person, उससे आपको ये कहना है, you have seen Satan. आपने शैतान को देखा होगा. बोलो. परमेश्वर को नहीं.
If you see God, यदि आप परमेश्वर को देखेगा, you will not have time to report. आपको रिपोर्ट देने का समय नहीं मिलेगा. You will die. आप उस वक्त मर जाओगे. No one has seen God with your own naked eye. अपना आँखों से किसी ने परमेश्वर को नहीं देख सकता. So we have to see the Bible. आपको परमेश्वर का वचन को देखो. Don't just simply believe. केवल उनको विश्वास मत कीजिए. Who came and say I have seen God? यदि तुम्हारे पास आदमी आएगा मैंने परमेश्वर को देखा है. Even prophet Moses could not see the face of God. नबी मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देख सका. But in the Bible, परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी that the prophet seems to speak to God face to face. ऐसे कभी लगता है कि नबी लोग फेस टू फेस सामने परमेश्वर से बात किया जैसे लगता भी है. But remember, परंतु ये याद रखना, even though they didn't see the face of God, परंतु उन लोग बातचीत तो किया है उनके सकल या उनके मुख को दिखाई नहीं देता है. The angels of God, परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग appearing to a man, उन लोग मनुष्य के रूप में प्रकट होती है. Not the true God, वो सच्चा परमेश्वर कर नहीं. You get the point? स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आता Some है. Angels appear to a man on behalf of God. कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के रूप को लेकर प्रकट हो जाता है. So as the Bible say, परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है, no one has seen God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा. So we cannot see God. इसीलिए हम लोग नहीं देख सकते हैं. Even in the Bible, परमेश्वर का वचन में there are visible and invisible. कुछ लोग देख सकने वाला चीज है और कुछ लोग नहीं देख सकने वाला चीज भी है. So many things are written in the Bible. बहुत चीज परमेश्वर का वचन में लिखा है. What we can see are temporary. कुछ लोग जो दिखाई पर जाती हैं, what we don't see are eternal. जो दिखाई नहीं देती है वो चीज अनंत काल की बातें होती है. In the Bible we found, परमेश्वर का वचन में मिला जाता है. Whatever we see are temporary. जो दुनिया का जो दिखाई देती है कुछ दिन के लिए है. What we can't see are eternal. जो हम लोग दिखाई नहीं देता है वो सब अनंत काल की बातें हैं. Even the scholar, जो पढ़े लिखे लोग कहता है, whatever it's in the universe, सारे भूमंडल में जितना अंदर में है, 22% only can be seen our naked eyes. केवल 22% दिखाई देती है. Whatever exists, जितना इस संसार में चीज उत्पन्न हुआ है, out of 100, 100 में से only 22 we can see with our eyes. केवल 22% दिखाई देती है. What we can see are 78%. जो परमेश्वर का बनाए हुए केवल जो 78% जो है दिखाई नहीं देता है. We see many things, बहुत से चीज दिखाई देती है. But what we can see are more. जो हम लोग दिखाई नहीं दे रहे उस दिखाई देने से भी और ज्यादा है. Can you see this light? ये लाइन को आप दिखाई दे रहे हैं? Is it this ball one is straight or bent? ये जो काला लाइन जो जा रहे है इसको स्ट्रेट सीधा है कि नहीं? Straight or bent? सीधा है बैन है. ओके, थोड़ा सा बैन है. ओके, आई विल जस्ट रिमूव अंडर दिस. लुक एट नाउ, अभी आप देखें ये चार लाइन को, तीन लाइन को. इज इट स्ट्रेट और बैन? ये स्ट्रेट है. देन व्हाट हैपेंड? इसमें क्या हुआ? तो वो लाइन दिखाई दे रहे हैं आपको. व्हेन वी सी ऑल दिस स्मॉल स्मॉल वन, जब ये छोटे छोटे डंडा दिखाई देती है, इट लुक लाइक बैन. वो बैन जैसे मतलब तेरा मेरा दिखाई देती है. But when we remove, जब वो चीज को दिखाई जब हटा देते हैं, this is straight. Actually, वो सीधा लाइन था. So our eyes are not perfect. इसीलिए हमारे आंख दृष्टि जो है सीधा नहीं है. We cannot depend with our naked eyes. अपना केवल अपने आंख से हम लोग भरोसा नहीं रख सकता है. Can you see behind this door? इसकी जो पीछे में क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं? Can you see anything behind this door?
इस दरवाजा के पीछे या खिड़की के पीछे कुछ दिखाई दे रहे? नहीं दे रहे। Can you see? दिखाई दिया कुछ? Last time when I went to Bhutan, मैं पिछले दिनों में भूटान गया था। One Bhutanese woman said, "Oh, there must be something behind that door." She said, "वो एक भूटान औरत ने कहा कि उसके पीछे में कुछ तो होगा उसके लिए बोला। Can you see behind this door? इस खिड़की के पीछे में कुछ दिखाई दे रहे? नहीं रहे। Okay, let me open. Can you see now? पीछे में तो कुछ अपनी आंख से जल रहा है। Then can you see behind this door now? इस खिड़की के पीछे कुछ दिखाई दे रहे? नहीं। Just the door. It stop our looking. इस खिड़की ने हमारे जो अंदर की जो दिखाई देना था उसने रुक रखा है खिड़की। Beyond the door we can't see. इस खिड़की के पीछे या परली साइड दिखाई नहीं दे रहे। If we open, जब आप इसको खुलोगे, can see this baby. ये बेबी भी दिखाई देगा। So even the door beyond we can't see. ये दरवाजा के अंदर में क्या होती है दिखाई नहीं देता। Don't depend with your naked eyes. With your naked eyes. No. अपना केवल आँख में आपको भरोसा मत रखें। Our eyes are not perfect. इसलिए अपना केवल आपके निकट आई जो है भरोसा की बात ही नहीं। Can you see this bird? ये चिड़िया को दिखाई दे रहे? Then what you can't see? आपको क्या दिखाई नहीं दिया इसमें? Sound. आप देख सकता है? आवाज को दिखाई देता है? What we can hear. परंतु आप सुन सकता है। We cannot see the sound. के आवाज को दिखाई नहीं देता है। So we know there is a sound. परंतु हम जानते हैं कि कुछ आवाज आ रही है। Can you see the flower? इस फूल को आप देख सकता है? Then what you can't see? आपको क्या दिखाई नहीं दे रही है? The fragrance. उसकी खुशबू को आप पता दिखाई नहीं दे रहे। We can smell. परंतु आप उसको स्मेल कर सकता है। We can't see. परंतु दिखाई नहीं देता है। Can you see this food? इस खाना को आप दिखाई देते हैं? खाना का पसंद करोगे? After service, we are going to have dinner. इस चर्च के बाद हम लोग डिनर खाने जा रहे हैं। We can see this food. इस खाना को इस ब्रेड को या चीज को आप देख सकते हैं ना? Then what you cannot see? आप उसमें क्या चीज दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, the taste. इसके स्वाद. Only when we eat, जब we can know the taste. खाओगे तब उसके स्वाद या टेस्ट को पता चलेगा. Though we see the food, यदि आप उसकी जो खाना को दिखाई देता है, unless we eat it. जब तक तू ना खाओगे, we cannot know the taste. नहीं जान सकता कि कितना मीठा है, कितना तेज है। Can you see this man? ये व्यक्ति को आप दिखाई दे रहा है? Can you see? Whose picture is that? कौन है ये? हाँ? कौन है ये? You don't know? Alien Gante in South Korea. ये हमारे स्पीकर जब साउथ कोरिया में था उसका पिक्चर है। You can see my picture. आप उसका पिक्चर को दिखाई दे रहा है। You can see me. अभी उसके अपना आँखों से दिखाई देता है। Then what you cannot see? आप उसको क्या दिखाई नहीं दे रहे? My spirit. मेरी आत्मा को दिखाई नहीं दे रहे तुमको? Though you cannot see my spirit, परंतु जब आप मेरी आत्मा को तो दिखाई नहीं दे रहे, I have a spirit. परंतु मेरा अंदर आत्मा है. So God is spirit, परमेश्वर आत्मा है. That's why we cannot see with our naked eyes. अपने आँखों में दृष्टि नहीं कर सकता, नहीं देख सकता. God is invisible. परमेश्वर दिखाई नहीं देती. We can know God through the Bible.
परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को पहचान सकता है। When we study the Bible, जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे, we can know there is a true living God. पर जीवित परमेश्वर है आप समझ सकेगा। So how to see the invisible God? कैसे जो दिखाई नहीं देती परमेश्वर को दिखाई देगा और मालूम होगा? Our emotion, अपना इमोशनल के द्वारा एंड यूनिवर्स इस संसार या भूमंडल बोलेगा पूरा सृष्टि के द्वारा इवन द हिस्ट्री और इतिहास के द्वारा इवन इसराइल पीपल इसराइल लोग का इतिहास के द्वारा इवन थ्रू जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर पहचान सच्ची परमेश्वर को जान सकोगे। In 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा है। Can you all read together? ये सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। 1, 2, 3. संपूर्ण पवित्र सृष्टा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। All scripture is given by inspiration of God. संपूर्ण पवित्र सृष्टा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। That's why it is good for us. इसीलिए हमारे लिए अच्छा है वो। God has given us. परमेश्वर ने हमको दिया है। In order to go in the right way. ताकि हम लोग सच्ची मार्ग में जा सकने के लिए to correct our bad behavior अपना बुराई चरित्र को सुधारने के लिए अच्छा है to guide us to heaven और स्वर्ग के रास्ता में दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन अच्छा है। How we were given the word of God कैसे परमेश्वर का वचन को हमको दिया गया है In 2 Peter chapter 1 verse 21 दूसरा पीतर 1:21 में भी लिखा है All prophecy never came by the will of man but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर बक जन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे The Bible, परमेश्वर का वचन, the word of God, परमेश्वर का वचन, Bible, the word is given by God, ये वचन परमेश्वर ने दिया हुआ है। No one writes with their own thinking, किसी ने अपना इच्छा के द्वारा नहीं लिखी है। As they were given by God. परमेश्वर ने उनको ये वचन दिया है The Bible is being written. तब परमेश्वर को वचन को लिख सकता है That's why we call the Bible is God's word. इसीलिए बाइबल जो है परमेश्वर का वचन कहलाया जाता है Look at to the screen. From eternity to eternity, ये अनंत काल टू अनंत काल तक बात को देखिए 3500 years ago. 3500 साल के पहले फ्रॉम नाउ आज का दिन से 3500 साल के पहले प्रोफेट मोसेस रोट द फर्स्ट बुक जेनेसिस नबी मोसेस ने पुस्तक लिखा है उत्पत्ति को 1900 इयर्स अगो 1900 इयर्स अगो जॉन हैड रिटन द लास्ट बुक योहना ने सबसे लास्ट का जो पुस्तक प्रकाशित वाक्य लिखा है The Bible talk about the past. परमेश्वर का वचन ने बीती हुई बात को भी बताया है Even the future. और आने वाली बात को भी भविष्य के बाद भी बताया है From the beginning to the end. आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर का वचन में लिखा prophets wrote it. 40 नबी लोगों ने पवित्र बाइबल को लिखी गई है और टेस्टामेंट 39 बुक्स पुराने नियम में 39 बाइबल की किताब है न्यू टेस्टामेंट 27 बुक्स और नए नियम में 27 किताब लिखा गया है ऑल टुगेदर 66 सारे मिला के 66 बाइबल हमारे पास है
among 40 prophets, इस 40 नबी लोग के बीच में there was one man who is not the Jews Israelite. वो 40 के बीच में एक अन्य जाति है जो यहूदी नहीं है. They call it Gentile. उनको अन्य जाति कहा जाता है. So do you know among the 40 prophets one Gentile was there? कुछ बाइबल लिखने वाले 40 के बीच में एक अन्य जाति है, वो कौन है मालूम नहीं. हम लोग कौन मालूम है जिन्होंने बाइबल को लिखा है जो यहूदी नहीं है? एनीवन? 40 prophets wrote the Bible. 40 नबियों ने परमेश्वर का वचन को लिखा है. 39 persons are Jews Israel only. 39 लोग जो है इस्राएली लोग हैं. One Gentile. एक अन्य जाति कौन है बताओ? डॉक्टर लुक इज ए फिजिशियन. ओके, लुक जो है शारीरिक का डॉक्टर है. सो डॉक्टर लुक रोट द बुक ऑफ लुक एंड एक्स. डॉक्टर लुका ने गॉस्पेल लुक और प्रेतों का काम को लिखा है. He is the only Gentile who wrote the Bible. ये अकेला जेंटाइल आदमी है जिन्होंने बाइबल को लिखा है. Where do they found the Bible? परमेश्वर का वचन को कहाँ मिली है? Just to know, let me show you a little bit picture. आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाना चाहूँगा. Near Dead Sea in Israel. वहाँ इसराइल एक जगह है जो डेड सी के पास में है. There is one hole. एक बहुत बड़ा छिंडा है. One shepherd man lost his sheep. एक चरवाहा ने अपना भेड़ को खो गया था. He was searching. उसने ढूंढ रहा था वो. He could not find the sheep. उसने अपना भेड़ को खोया हुआ भेड़ को नहीं मिल पाया. Finally, when he come to that hole, उसी एक जो छिंडा बहुत एक कुफा जैसे उसी जगह जब आया, he took one stone, उसने एक पत्थर को उठाया and throw inside the hole. उसी की जो हॉल में उसने कुछ फेंक दिया. Then he heard the sound. कुछ आवाज सुनाई दिया. And he was surprised. बहुत ही अचंभित हुआ. What is there inside the hole? इसका जो हॉल कुफा में क्या चीज है? When he got when he entered to that hall, उसी का जो चंदा का अंदर घुसा, he found animal skin was all. उसका अंदर गया तो एक चमड़ा दिखाई गया, जानवर का चमड़ा. Animal skin. वो जानवर का चमड़ा को दिखाई दिया. It was folded. उसको ऐसे रोल हुआ था. Can you see now? वो दिखाई दे रहे हैं वो. During those day, उसी समय जब शुरू बाइबल जब लिखते थे, there was no paper. पेपर कागज नहीं था. That time only animal skin they use. उन लोग चमड़ा जानवर का चमड़ा को यूज करते हैं. When he opened, उसने जब ये चमड़ा को खोला, he found the word of God. उसने परमेश्वर का वचन को, the book of Isaiah. ईशाया का पुस्तक को उसने मिला. You were surprised to see. आप इसको देखकर सरप्राइज होगा. And the original script, what they have written in the animal skin. उसी चमड़ा में जो ओरिजिनल मतलब उसका स्क्रिप्ट जो लिखा है, they copy down from the paper. उन्होंने पेपर से उसको कॉपी किया है. And archaeology. आर्कियोलॉजी लोगों ने, they took it the original Bible that we have. वो जो बाइबल जो हमारे पास है उसको निकला है. And they went and compared to what they found in that
डेथ नियर डेड सी स्क्रॉल, वो जो डेड सी स्क्रॉल बोला जाता है, डेड सी के आसपास में जो मिला है, एंड व्हेन दे फाउंड इट, जब उन्होंने उसको मिला है, दे से इट इज प्रूफ दैट दे आर एब्सोल्युटली द सेम एज द प्रेजेंट बाइबल, उन ये जो हमारे पास जो बाइबल है उसके साथ ये जो डेड सी के पास जो मिला है उसी को कंपेयर किया, तुलना किया, सेम टू सेम है, इवन नो सिंगल वर्ड वाज चेंज, कुछ भी बातें इसमें से चेंज नहीं हुई है, गॉड्स वर्ड कैन नॉट बी चेंज, परमेश्वर का वचन को बदल नहीं सकता है, कैन नॉट बी एडिटेड, वो उसको भी जोर भी नहीं सकता है, द ओरिजिनल वन, उसको जो ओरिजिनल का, इवन इन 2011 2011 में बेंगलोर मिरर वन न्यूज मैगजीन, एक बेंगलोर मिरर बोल के एक मैगजीन न्यूज़पेपर था, इट टॉक अबाउट 2000 ईयर ऑफ डेड सी स्क्रॉल्स गो ऑनलाइन, ये 2000 साल की जो डेड सी, मतलब आप लोग समुंदर, मरा हुआ समुंदर को डेड सी बोलता है, उसी का जो स्क्रॉल बाइबल का जो है गो ऑनलाइन में इसे दिया है, इवन द वर्ल्डली पीपल, जो संसारिक आदमी लोग के लिए भी, दे कम टू नो द यूनिकनेस ऑफ द बाइबल, बाइबल का जो यूनिक मतलब उसका स्पेशलिटी को लोग जानना शुरू हो गया है, एवरीवन सरप्राइज, बहुत से आदमी लोग इसको सुनकर देखकर अचंबा हुआ है, जस्ट लिसन हाउ दे फाउंड, कैसे मिला उन्होंने, देखिए, predictions of future events that have in fact actually happened. Critics use this fact to suggest that since no one can tell the future, the prophecies had to have been written after the fact, not before. But biblical history was written in 1947 when a Bedouin shepherd tending his flock near the cliffs overlooking the Dead Sea began throwing rocks into the many caves that might offer shade to a wandering lamb. Suddenly, he heard a tinkling sound like the sound of broken pottery. Envisioning some kind of buried treasure, he proceeded into the darkened recess of the cave, only to discover several large earthen jars. Most were empty, but one contained some kind of foul-smelling and decaying leather. The discovery of ancient scrolls in caves above the Dead Sea set off an explosion of interest in biblical studies. What started out as a fairly modest discovery turned into an archaeological and biblical bonanza. The scrolls contained copies of at least portions of every Old Testament book except Esther. Some of the findings were mere scraps, while one containing the entire book of Isaiah was 28 feet long. In very recent years, an extremely skeptical branch of Old Testament criticism has sometimes suggested that the books of the Old Testament were written as recently as 2 to 3 centuries before the time of Christ. The discovery of the Isaiah scroll at Qumran dating to almost 200 BC and other Old Testament books going back nearly as far makes this criticism wholly unwarranted. जैसे हम लोग ने देखा, that is how they found the Bible. कैसे जिन्होंने परमेश्वर का वचन को मिला है? In 2005, 2005 में, the Bible is being translated into 2,377 languages. परमेश्वर का वचन जो बाइबल है 2005 तक में 2,377 भाषा में इंटरप्रेट हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है. Till December 2009. 2009 तक 2,508 languages. 2,508 तक भाषा में बना गया है. Do you have Bible in your own language? आपका भाषा में बाइबल है? Do you have in music? So every year the Bible is translated into different languages. हर साल परमेश्वर का वचन नए नए भाषा में बनाते जा रहे हैं. There's no other books like this being translated in many languages. ऐसे किताब दुनिया में नहीं है कि हर साल नए नए भाषा में जो
ट्रांसलेट किया जाता है. There are many people who try to find out the four from the Bible. बहुत से आदमी है कि बाइबल में कुछ गलती को ढूंढता है. The more they study, जितना ज्यादा उन लोग उसको ढूंढोगे, they come to know a true God. उन लोग सच्चा परमेश्वर को मालूम हो जाता है. Bible is the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है. It leads us to heaven. स्वर्ग तक हमें पहुंचा देगा. This is the way to heaven. ये स्वर्ग का रास्ता है. Only when we know the truth, जब the Bible, आप बाइबल सत्य को जानोगे, we can go to heaven. स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे. Even the Bible say, परमेश्वर का वचन कहता है, For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी तल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा. Even one comma, side comma भी हो, even one full stop भी हो, it cannot be vanished. ऐसे नाश ना हो जाएगा. More than that, उससे भी ज्यादा, heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी तल जाएगा. Even the earth will pass away. इस पृथ्वी को भी नाश हो जाएगी. Whatever it happen in the world, जितना भी हो इस संसार में हो जाए, though it may pass away, उन लोग नाश भी हो सकता है, but the Bible will never pass away. परंतु बाइबल परमेश्वर का वचन कभी भी नाश ना होगा. That's why we believe the Bible is a true word of God. इसीलिए हम लोग विश्वास करता है बाइबल पवित्र परमेश्वर का वचन है. In Hebrews chapter 4 verse 12, इब्रानियों का 4:12 में लिखा है, For the word of God is living and powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गुदगुद और गुदे गुदे की अलग करके और फाड़ छेड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. So the word of God is living. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है and powerful. और प्रबल है. God's word can change our life. परमेश्वर का वचन हमारा जीवन को बदल सकता है. I can't change you. आपको मैं बदल नहीं सकता हूँ. Your pastor cannot change you. आपका पास्टर तुम्हें बदल नहीं सकता है. But if you believe in the Bible, परंतु आप बाइबल पर विश्वास रखोगे, Bible is living. परमेश्वर का वचन जीवित है. And the Bible can change your life. बाइबल का वचन ने तुम्हारा जीवन को चेंज कर सकता है. Even all the bad people are being changed from the word of God. बहुत से पापी लोग पवित्र वचन के द्वारा परिवर्तन हो चुका है. So Bible is for us. परमेश्वर बाइबल हमारे लिए है. So Bible is truth. बाइबल सच्चा है. And it is a fact. वो सचमुच सच्चाई है. From the Bible we can see creation. बाइबल के द्वारा सृष्टि के बारे में जान सकता है. Even we can see science. और वैज्ञानिक बातों को समझ सकता है. History. और इतिहास को जान सकता है. Spiritual. और आत्मिक रूप को भी समझ सकता है. Even eternity. और अनंत काल के अनंत काल तक आपको बाइबल के द्वारा समझ सकता है. From the Bible. वचन बाइबल के द्वारा. In Genesis chapter 1 verse 1, एक उत्पत्ति एक का एक में लिखा है. All read together 1, 2, 3. एक साथ पढ़ेंगे. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. In the beginning God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. 3,500 years ago, 3,500 साल की पहले, प्रोफेट नबी मोजेस ने इसे हेवेंस स्वर्ग हेवेंस आकाश व्हेन वी
एट इट एस जब एस हम लिखेगा हेवेंस आकाश इट इज अ प्लूरल ये मतलब एक से भी ज्यादा है सो 3500 इयर्स अगो 3500 साल की पहले हाउ कैन मोसेस से इट हेवेंस मोसेस ने कैसे कह सकता है कि आकाश मतलब एक ही नहीं बहुत आकाश है नो द साइंटिस्ट आज का जो विज्ञान लोगों ने मालूम चला है कि व्हेन दे लुक अप टू द स्काई जब उन्होंने आकाश को देखा है व्हेन दे लुक अप टू द हेवन जब स्वर्ग तक उन्होंने स्टडी किया है नाउ दे डिवाइडेड लाइक दिस उन्होंने ऐसे डिवाइड मतलब अलग अलग प्रकार से रखा है एटमोस्फियर एक तो हम हिंदी में नहीं सकेंगे एटमोस्फियर देन द ब्लू स्काई जो नीला जो बादल को जो एटमोस्फियर बोलते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर बोला जाता है वेयर द बर्ड्स फ्लाई जहां पक्षियों जो उड़ते हैं एंड स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर बोलता है वेयर द एरोप्लेन फ्लाई जहां हवाई जहाज चलती है देन मिडस्फियर मिडस्फियर थर्मोस्फियर thermosphere so even now the scientists could divide many heavens now abhi scientists log aise alag alag kar sakte hai ki bahut akash bahut swarg before 3500 years ago 3500 saal ke pehle musa ne ye kaha tha is there was any scientists us samay scientist tha kuch log no कोई साइंटिस्ट नहीं था उसी समय। Is it Moses was a scientist? क्या मोसेस वैज्ञानिक आदमी था? No, he was just a prophet. केवल वो एक नबी था। Then how can he know there are heavens? कैसे जान सकते हैं कि आकाश में बहुत प्रकार की आकाश है? Unless God reveals to him. जब तक स्वर्ग परमेश्वर ने उसको प्रकट नहीं किया, he cannot know. कुछ भी नहीं जान सकता That means God gave the word to Moses. परमेश्वर ने मोसेस को अच्छे से परमेश्वर के वचन को बताया है In Isaiah 50 verse 3, इसाया 50:3 वर्स में इसे निकाले हैं I clothed the heavens with blackness and I made sackcloth your covering. मैं आकाश को अपनो शोक का काला पड़ा पहनाता और आप को उनका और कर बना देता हूँ और ना बना देता I clothed the heavens with blackness. उसने की को मैंने ऐसे काला में मैंने मतलब क्लॉथ बन रखा है 2700 years ago. 2700 साल के पहले Isaiah could see. Above the heaven there is blackness. जो आकाश के ऊपर में एक अंधेरा है उसको ईसाया ने मालूम पड़ा है How he could see? कैसे ईसाया को दिखाई देता है How he could know? कैसे ईसाया नबी ने उसको जान सकता है Now, when they go out to the space, जब ये विज्ञान लोग स्पेस ऊपर जाता है When they go up to the blue sky, जब ये नीला बादल को जब पार कर देते हैं, and there will be empty blackness. वहाँ पे काला काला मतलब एयर हवा मिला जाता है. 2700 years ago, 2700 साल के पहले, is there any satellite? उस समय सैटेलाइट ऐसे था. Is there any telescope? टेलीस्कोप जो दूर देख सकने वाला चीज था क्या no. कुछ भी नहीं था देन हाउ कैन आइजाया कुड सी बियॉन्ड द ब्लू स्काई कैसे ये नबी ईसाया ने अंधेरा के जो आकाश को कैसे दिखाई देता है दैट मींस गॉड रिवील्स टू हिम इसीलिए परमेश्वर ने ईसाया को बताया था God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता. Whatever in the world, जितना इस पृथ्वी में है, are created by God. परमेश्वर के बनाए हुए हैं.
सब कुछ मैं सब हिम सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसी के बिना उत्पन्न नहीं हुई. Without him was made nothing. उसी के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुई. Everything was created at my God. सब कुछ उसी के द्वारा परमेश्वर के द्वारा बनाया गया. So creation demands creator. वो जो बनाए हुए चीजों का डिमांड जो है बनाने वाला को. For every house is built by someone. हर एक घर जो है किसी ने बनाया है. But he who built all things is God. परंतु सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है. All things are created by God. हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है. How can you know people live in this house or not? आप इस घर में आदमी रहता है कि नहीं मालूम है? How can you know? कैसे आप जानोगे कि इस घर में आदमी है कि नहीं? जानते हो आप इस घर में? You know? कैसे आप जानोगे? People live in this house or not? Because of smoke. Oh, यहाँ पे कुछ धुआ भी निकल रहा है. And other? Because of cloth. So we cannot see anybody in that house. इसका घर का अंदर में आदमी कुछ दिखाई नहीं दे रहे. When we see the cloth and the smoke. जब इसमें घर में धुआं निकलती है और कपड़ा भी सुखाया जा रहे. We can know that people live in this house. हम जान सकते हैं कि इस घर में आदमी है. When we see the world. जब इस संसार को दिखाई देता है, the creation of God, परमेश्वर का सृष्टि को, we come to know that there is one true God. हम जान सकते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है. Let me show you one picture. आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा. A wind was come. एक हवा आई थी. The house was blow off. घर जो था पूरा नष्ट कर दिया. And the wind blow it together again. हवा एक साथ में पूरा आ जाती है. And reveal again the house as exactly before. वो जो हवा दोबारा आए तो घर जो है फिर बना देती है. Look at carefully. You believe or not? I'm going to ask you. आपको पूछूंगा कि आप विश्वास सकता कि नहीं विश्वास है. Probably. Is it possible or not? ऐसे हवा आ सकती है कि नहीं? Do you believe that it can happen like that? वैसे हो सकता है आप विश्वास है? Even that the house was blow off. जो घर जो था हवा आई पूरा तितर बितर हो गया नष्ट हो चुकी थी. And the wind blow it together. जो हवा जो था and एक साथ में पूरा आ गया. And build it again exactly as before. वो पहले जैसे उसी खुद हवा ने भी दोबारा बना दिया. Actually this can happen. हो सकता है ये चीज का? हो सकता है. Even the scholar, they say probability, the possibility when they look 0.00001% only. ये विज्ञान लोगों ने शादी किया ये हो सकता कि नहीं बोल के जितने ये एक जीरो बहुत रखने के बाद 1% है. That means impossible. इसका मतलब असंभव है. Everything was built by someone. हर चीज जो है किसी के द्वारा बनाया गया है. What is this? ये क्या है? Built by? किसने बनाया? शाहजहां. There are many good house. When we see, all these are built by someone. ये सब चीज किसी ने किसी के द्वारा बनाया गया है. Design demands designer. Design मतलब डिजाइनिंग जो है
डिजाइनर की जरूरत होती है. इवन फ्लावर्स जो फूल जो है. इवन स्नो और बर्फ है. लुक एट दिस स्नो. इस बर्फ को देखें. व्हेन वी लुक वी कैन सी जस्ट बिग और स्मॉल व्हाइट ओनली. यहाँ दूर से देखने से कुछ बड़ा दिखाई दे कुछ छोटे छोटे दिखाई दे. व्हेन दे लुक इट थ्रू माइक्रोस्कोप उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा जब दिखाई देता है. इवन दिस स्नोस आर टोटली डिफरेंट वन अनदर. ये सब बर्फ जो है अलग अलग डिजाइन है और अलग अलग भी है. कैन यू सी नाउ इसको दिखाई दे. दिस आर द स्नो. ये बर्फ है. दे टुक आउट थ्रू माइक्रोस्कोप जो अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप मशीन के द्वारा देखा जाता है तो ऐसे डिजाइन निकल सकता है. सी इवन गॉड डिजाइन द स्नो. परमेश्वर ने बर्फ को भी डिजाइन करके रखा है बनाया है. इवन द फ्लावर ये फूलों को भी. कैन यू सी इवन एनिमल्स ये जानवरों को भी परमेश्वर ने अलग अलग से डिजाइन किया है. दिस आर डिजाइन बाय ये सब परमेश्वर ने सुंदर से बनाया है. इवन अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स उन्हीं के जो अंग के द्वारा परमेश्वर ने बनाया गया है. सो कैन यू रीड 1, 2, 3. इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जन जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत से भर गए और एक एक जाति के जाने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. So even God designed all the animals. परमेश्वर ने सारे जानवरों को भी बहुत सुंदर से बनाया है. Do you know lizard? Lizard चमकीदार चिपकली है. चिपकली. That lizard, because of the fear of snake, वो जो चिपकली जो है सांप डरते हुए. That lizard was running on the water. वो लिजार्ड जो है पानी के ऊपर चलता है. How lizard could run on the water? वो जो छिपकली कैसे पानी के ऊपर चलती है आप देखें. Look at now. कोस्टारिका इन टेलीविजन और इन बासिलिस्क मावेनी वीडियो में मालिस. How? कैसा है? Is it? How he could run? कैसे दौड़ा था? Is it nice? सुंदर दिखाई दे रहा है. So it seems that you are tired, right? हाँ, थोड़ा बहुत थकान जैसे लग रहा है. But I didn't finish my message. परंतु मेरा समाचार पूरा नहीं हुआ है. Anyway, I'll try to make it short. थोड़ा सा आपको शॉर्ट करना चाहूँगा. If you are happy, we will continue. अगर आपको खुश है तो continue करेंगे. Even the in the school we studied this. स्कूलों में भी इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं. We talk about Sun, Mercury, Venus, and Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, others. All these. जितने प्लैनेट्स को हम लोग स्टडी करते हैं स्कूल में. इवन अबाउट द अर्थ ये पृथ्वी के बारे में. पीपल हैव मेनी इमेजिनेशन बहुत से आदमी पृथ्वी के बारे में सोच विचार रखता है. सो
Some of the ancient people think that the earth is surrounded by water. जो बुजुर्ग लोग पहले का जो आत्मी लोग पृथ्वी को ऐसे समझता है कि सारे चारों तरफ पानी है. When they go to the ocean, जब उन लोग समुद्र जाएगा, that is the last of the earth. वो पृथ्वी का जो अंत समझते हैं. That was what they are thinking. उन लोग का विचार ये ही था. Even Mesopotamian people thought they are like this. मेसोपोटामियन लोग ने पृथ्वी को इस प्रकार से उन्होंने सोचा है. These are the stars. ये लोग सितारे हैं. And the sun come out here. सूर्य यहाँ से आते हैं. And go inside this hole. इसी छिद्र में घुस जाता है. The whole night. सारे रात. In the morning it come out again. सारे रात ऐसे घूमेगा होल का अंदर में से फिर निकलेगा. What they are thinking. उन लोग का सोच विचार ऐसे ही था. And Egyptian people thought like this. मिस्र देश के लोगों ने पृथ्वी के बारे में ऐसे सोचा. पहाड़ी. These are the ocean. ये समुद्र हैं. These are the stars. ये सितारे हैं. And even Indian ancient people. जो भारत के जो आत्मी लोगों के सोच ये है. They think that there was a big snake. उनका कहना है कि बहुत बड़ा सांप था. This snake carried tortoise. इसी सांप ने एक कछुए को उठा जाती है. This tortoise carries elephants. इस कछुए ने हाथी को उठा जाती है. And these elephants are carrying the earth. ये हाथी लोगों ने पृथ्वी को उठाती है. Here, Arunachal is here. अरुणाचल इधर है. We are living here. यहाँ अरुणाचल में हम लोग रहते हैं. That is what the Indian ancient people believe. जो आदि मतलब पहले का जो इंडियन लोगों का विचार यही था. So many people had many idea. बहुत से आदमी लोग का अलग अलग आइडिया होती है. But the Bible say. परंतु परमेश्वर का वचन ये लिखा है. God he stretched out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. वो उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है. 3000 years ago, 3000 साल के पहले Job wrote it. आयुक ने लिखा है. God hang the earth on nothing. परमेश्वर ने पृथ्वी को किसी भी वास्तु में लटकाया गया है. He hang the earth on nothing. जो पृथ्वी जो है लटकाया गया कुछ भी चीज में. So when we know the Bible, जब हम बाइबल को जानते हैं, we can know a true God. परमेश्वर का वचन को समझ सकते हैं. The earth goes around the sun. सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है. The speed is very fast. उसकी जो स्पीड बहुत जल्दी चलती है. You know AK rifle? आप लोग राइफल को जानते हो. When you shoot out, जब उसको मारा जाता है. In 1 second. एक सेकेंड के अंदर में. 1000 meter. 1000 meter चले जाते हैं गोले. But the earth that we live. परंतु ये पृथ्वी जहाँ हम जा रहे हैं. In 1 second. एक सेकेंड में. 3000 meter. 3000 meter घूम सकता है. It can run. It can run. चलती है. But we can sit nicely. परंतु हम लोग आराम से बैठ सकता है. I can stay. लोग खड़ा हो सकता है. No one is drowsy or. कुछ को ऐसे गिरना नहीं, कुछ को ऐसे हिलना भी नहीं वाला. Why this could happen? किसी लिए ये चीज हो सकता है. See, look at here now. If the sun is closer to the earth. यदि सूर्य बहुत नजदीक है पृथ्वी से. It will be too hot. बहुत ही गर्म हो जाएगा. Look at here this Venus. इस वेनस को देखें. Close to the sun. ये सूर्य से बहुत नजदीक है. The temperature is 400 Celsius. इसका जो टेम्परेचर जो है 400 है. And the sun. सूर्य जो है. From the sun, if we see that Mars. सूर्य से मार्स को जब दिखाई देते हैं. A little bit far away from the Earth. सूर्य से थोड़ा सा दूर है. And this place. पृथ्वी से थोड़ा सा दूर है. And this place is ice bath.
इस जगह जो है पूरा बर्फ हो जाता है, वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडा है, नो वन कैन लिव हियर, इसमें कोई भी रह नहीं सके, ओनली ऑन अर्थ, केवल पृथ्वी में लिविंग बीइंग कैन लिव हियर, वो जो जीवित प्राणी लोग रह सकता है, नो इन अदर प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट जगह में, बट इन बाइबल उसने उससे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु सब सब ने बसने के लिए रचा है। God made or formed the earth to be inhabited। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रहने के लिए रचा है। So the only planet human being can live is on earth। केवल प्लैनेट में इस पृथ्वी में मनुष्य रह सकता है। 2700 years ago, it was being written in the Bible। 2700 साल के पहले परमेश्वर का वचन में लिख चुका है। When we know the truth of the Bible, जब परमेश्वर बाइबल का वचन और सच्चाई को आप मालूम होगा, we can be faithful before God। परमेश्वर के लिए विश्वासियों बना रह सकेगा। Everything has a time। हर एक चीज का समय है। A time to born। जन्म के समय। A time to die। मरने का समय। So God made everything। परमेश्वर ने सभी को समय समय के अनुसार बनाया। Everything has a time। हर चीज का समय है। See, not only with the Christian। केवल क्रिश्चियन लोग नहीं। Even among the Buddhists, और बुद्धिस्ट लोग के बीच में, all हिंदू, और हिंदुओं के बीच में, all मुसलमान, और मुसलमान लोग के बीच में भी, every human being, हर एक मनुष्य का, we don't want to die, मरना नहीं चाहते हैं, we want to live many years, बहुत साल तक जीवित रहना चाहते हैं, even the old ones, बुढ़ा बुढ़ी लोग भी, though they are very weak. बहुत कमजोर होने के बाद भी जीवित होना चाहते हैं। Everyone, हर एक आदमी, even a sick man, बीमारी आदमी को भी, they want to live, वो और जीवित होना चाहते हैं। What we are thinking, जो हम सोचते हैं, if I die, अगर मैं मर जाऊंगा, what will happen, क्या होगा? Oh, instead of dying, मरने से अच्छा तो ये है, I want to live forever, ऐसा के लिए मैं जिंदा रहूंगा। Everyone wish to live eternally। हम हर एक प्राणी, हर एक आदमी हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। But we will die someday। परंतु एक दिन मर जाएंगे। Even Arunachal Mission Field। अरुणाचल का जो मिशन फील्ड को भी। Even our church member। हमारे चर्च मेंबर के बीच में। Some people die this year। इस साल में भी कुछ लोग गुजर गया। Is it right? है ना? Even after we become Christians, we are dying। मसीह में आने के बाद भी अभी भी हम लोग मरते हैं। But we don't want to die। परंतु सचमुच कोई भी मरना नहीं चाहता। Is it true? सच है। Is it true? सच है। Why? क्यों मरना नहीं चाहते हैं? Why we don't want to die? किसीलिए हम लोग मरना नहीं चाहते हैं? Even the Hindu, they believe in a rebirth। इन दो लोग भी जो दोबारा जन्म पर भी विश्वास रखते हैं। If I do many good things on earth, यदि इस पृथ्वी पर बहुत अच्छा काम करूंगा, when after I die, जब मैं मर जाऊंगा, I may reborn in a rich family house, मैं ऐसे दोबारा जन्म लूंगा बहुत बड़े धनी का घर में। If I am so bad and doing many sin, मैं बहुत ही बदमाश है और बहुत काम किया हूँ, in the next generation, और दूसरा जन्म में, I may born as a monkey, हो सकता है मैं बंदर में जन्म लूंगा। What people are thinking, लोग वही से सोचते हैं। But no one wants to die, परंतु कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। Why? किसीलिए? Why you become sleepy? किसीलिए आपको नींद आ रहे हैं? Why you become thirsty? आप क्यों प्यास लगता है? Why? क्यों? Why you used to become thirsty? इसलिए आपको प्यासा लगता है?
Anyone? 키스콤 जवाब दे सकते हैं। Why used to become thirsty? Can you say? किसलिए आपको बहुत प्यास लग जाती है? Why? क्यों? You become thirsty. क्यों हम लोग प्यासा लग जाता है? बोलो ना। Why? Anyone who knows why you become thirsty sometimes? कभी कभी आपको क्यों प्यासा लग जाता है? कौन जानते हैं? नहीं बोलना तो खाना नहीं खाएगा। जब हम बहुत सी मिर्ची खाते हैं तब भी टस्टी होता है, काम करने से भी टस्टी, दुख भी ज्यादा रहती है। See, listen to me. यहाँ सुने। When I ask you, जब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, Why you become sleepy? क्यों आपको नींद आती है? Why you become thirsty? आपको क्यों प्यासा लग जाता है? You are so confused how to answer. आपको बहुत ही गड़बड़ी में है या दिल में पूरा कंफ्यूज में है कि कैसे जवाब दूँ? Let me tell you the truth. आपको मैं एक जवाब सच्चाई Because there is water. इस पानी है इसीलिए That's why you become thirsty. आपको प्यासा लगता है. If there is no water, अगर पानी नहीं होता है, there will be no thirsty. कभी भी प्यासा नहीं होगा. Why you want to sleep? क्यों आपको सोना चाहते हो? God made to sleep. परमेश्वर ने हमको सोने के लिए बनाया. What we are longing is what is there. जो हमको चाहते हैं, जो कुछ है, जो चीज होता है उसी को हम लोग चाहते हैं. That's why in Ecclesiastes chapter 3 verse 11 हिंदी में कहता है इसको सबोक देशांत में लिखा है 3:11 में He has put eternity in their hearts. परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में अनंत काल का चीज जो है रखा है. Though we do not know exactly a true God. कभी हम नहीं जानता है कि परमेश्वर का जो सच्चा परमेश्वर हम नहीं जानता है. Our heart is designed to live forever. हमारा हृदय अनंत काल तक के लिए जीना चाहता है. That shows that there is eternity. इसका मतलब है कि अनंत काल के है. If there is no water, यदि पानी नहीं होगा, there will be no thirsty. कभी भी प्यासा नहीं होगा. In the same way. इस रीति से we want to live forever, हमेशा के लिए हम लोग जीना चाहते हैं. Means we have a spirit that cannot die. उसका मतलब है कि ऐसे आत्मा हमारा अंदर है वो कभी नहीं मरती. That's why everyone is thinking life after death what will happen, where will I go. इसीलिए सब लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा. Our heart spirit long for eternity. हमारी आत्मा या हमारे हृदय उसी को जो अनंत काल को चाहती है. So everyone is thinking what will happen after I die. इसीलिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद में क्या हो जाएगा. We have a spirit that cannot die. हमारा अंदर आत्मा है वो कभी नहीं मरता है. So Jesus is the way. यीशु मसीह मार्ग है. The truth and the life. सत्य और जीवन है. What is the purpose of life? तो जो जीवन का उद्देश्य क्या है? Look at here now. अभी इसको देखो. बात. जन्म. Study. पढ़ना. Exam. परीक्षा देना. Job. नौकरी करना. Marriage. शादी करना. Success. सफलता प्राप्त करना. Retire. रिटायर हो जाना. After death. मरने के बाद. You will die. उसके बाद मरना. सॉरी दिस विल कम. ये आपका रास्ता में आएगा. आफ्टर फ्यू इयर्स कुछ दिन कुछ साल के बाद डेथ विल कम. मृत्यु तुम्हारा पास आ जाएगी. आफ्टर वी डाई मरने के बाद वेयर विल वी गो कहां जाएंगे. वी हैव टू थिंक सोचना होगा. प्रिपरेशन फॉर इटर्नल लाइफ अनंत काल के लिए We live 9 months तैयार करना.
मरने के बाद कैसे हमें तैयार करना है? We live 9 months in our mother's womb. अपना मम्मी का पेट में 9 महीना हम लोग बैठा है. To live on our 70-80 years. इस संसार में रहने के लिए 70 और 80 साल तुम्हारे पास. God has given us 70, 80 or 100 years. 70 और 80 हो सकता 100 तक आप जी सकता है. For what? किस लिए? To prepare for eternal life in heaven. स्वर्ग में अनंत काल का जीवन के लिए इसी समय को प्रिपेयर करने का समय है. In our lifetime. इस जीवन के समय. If we are not truly born again. यदि आपको अच्छे से नया जन्म नहीं मिला है. We cannot go to heaven. आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा. This picture. इस चित्र को देखें. Yes, in our mother's womb. अपना माँ के जो गर्भ में. We live 9 months. 9 महीना हम लोग बैठा है. Born. जन्म है. And we started growing. बढ़ते जा रहे. And we become grown up. बहुत बड़ा आदमी grown up आदमी हो जाता है. These are balukpong ladies. ये लोग balukpong आदमी लग रहा है. Nice. सुंदर है. Going to Tezpur. Tezpur की ओर जा रहे लगता है. Then. ये क्या है? प्यार. प्यार मोहब्बत हो गया है. Love will come after this. What will happen? इसके बाद क्या होगा? What? मैरिज. प्यार होगा उसके बाद शादी होगा. आफ्टर मैरिज. शादी के बाद. वी आर लाइक जस्ट फ्लावर. हम लोग जस्ट फूल के समान हैं. लुक एट दिस लेडीज. इस लेडीज को देखो, एक महिला को देखिए. दिस इज योर पिक्चर. ये जस्ट एक तस्वीर है. थिंक दैट इट्स योर पिक्चर. आप सोच लीजिए ये आपका पिक्चर. आफ्टर सम इयर्स. कुछ समय के बाद. यू विल बिकम लाइक दिस. इसे बुढ़िया हो जाएगा. यू विल बिकम लाइक दिस. इसे बुढ़िया जैसे रहेगा. ऑल द यंग मैन. जितना जवान हो लोग. आफ्टर वी ग्रो अप. जब हम लोग पूरा बढ़ जाएंगे. वी विल बिकम लाइक दिस. ऐसे बुढ़ा हो जाएंगे. ऑल मैन. बहुत बहुत बुरा आदमी जैसे हो. लाइफ इज रनिंग वेरी फास्ट. जिंदगी बहुत जल्दी बीते जा रहे हैं. 1, 2, 3. एक साथ पढ़ेंगे. हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चारे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका दमन केवल कष्ट और शोक ही शोक ही है. वो जल्दी हम जाते हैं और हम जाते हैं. Our lives. Just 70-80 years only. हमारा जिंदगी 70 और 80 साल की होती है. Because of food or exercise. ये खाना पीना के द्वारा और कुछ exercise करने के द्वारा. Because of good health. अच्छे स्वास्थ्य होने के कारण. Maybe up to 100, 110. शायद आप 100 साल या 110 तक भी आप जी भी जाए. Compared to eternal. अनंत काल के साथ तुलना रखने से 100 years is nothing. 100 साल कुछ भी नहीं है. We fly away. हम लोग ऐसे उड़ा जा रहे हैं. Look at now. अभी देखो. Saw you one baby. एक बेबी का. Born from mother womb. उसका जो माँ का पेट से जन्म हुआ है. Is a flying life. उसका जिंदगी. How so? जल्दी उड़ रहा है. Our life. कितना छोटा है हमारा जिंदगी. Look at now. अभी देखें. उड़ के बड़ा हो जाए. Life is short. जिंदगी बहुत कम है. We fly away. हम लोग ऐसे
पूरा जा रहा है। Within a short years, कुछ साल के बाद मृत्यु हो जाएंगे। Before we die, मरने से पहले हमें सोचना है, we don't know what will happen tomorrow. कल क्या होगा हमें नहीं जानता है। We have to think ourselves. अपना आप सोचना होगा। We are caught like a fish in a net. हम लोग जाल में जो मछली पकड़ा जैसे है। Even the birds were caught. मछलियां सॉरी पक्षियों को भी पकड़ा जाता है। So a day will come that will die. एक दिन समय आएगा आपको भी पकड़ा जाएगा। Even this year in South Korea. इस साल 2015 में because of the कोरिया में cloud, वो जो बादल के वजन से they could not see far away, वो जो दूर दिखाई नहीं दे रहा था, many people come with the speed. बहुत से आदमी बहुत फास्ट स्पीड से चल रहे थे and because of that, many were struck. उसी की जो फोगी के कारण से इतना बड़ी एक दुर्घटना हो गया। Even many people were taken to hospital. बहुत से आदमी हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। Even see, look at here. इसमें आप देखें, this truck, ये ट्रक जो है, and this vehicle, ये कार या व्हीकल है। At the place, 3 persons dead. इसी समय ऑन द स्पॉट में 3 आदमी गुजर गया है। Do you heard about Manipur? मणिपुर का कहानी आप लोग सुना है। MLA house is being burned with fire. MLA लोग का घर जो है जलाया गया है। Many houses were destroyed. बहुत से घर मतलब जलाया गया है। This also one of the MLA building was destroyed. ये एक MLA मणिपुर का घर था। Many problems are coming up. बहुत से समस्या इस दुनिया में आ रही है। Many people die. बहुत से आदमी मर रहा है। Even when I went from Guwahati to Shillong, जब मैं गुवाहाटी से शिलोंग जा रहा था, on the way this happened. ये चीज दुर्घटना हुआ था। This truck, Tata. ये टाटा ट्रक जो है। Can you stand under this? अंदर में एक अल्टो कार है। No, auto. ये auto है। ऑटो है जो। Can you see one head? यहाँ पे एक आदमी का सिर दिखाई दिया। See, I took this when I went for Bible seminar in Shillong. Shillong. हॉस्पिटल जाता है। Why? किसीलिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाता है? To save their physical life. उसके शारीरिक जीवन को बचाने के लिए। When people were in out of danger, जब आदमी बहुत
समस्या में पड़ जाता है। So ambulance, they were taken to hospital. उन लोग एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में ले जाता है। In the same way, उसी तरह से, in order to be faithful until death for Jesus. यीशु मसीह के लिए प्राण देने तक, मरने तक विश्वास होने के लिए, we have to understand what is eternity, what is life. हम लोग ये बात समझना चाहिए अनंत काल के बाद क्या है और जीवन क्या है। If you are not truly born again, अगर आपको नया जन्म नहीं पाया है, we have to go to Calvary Hospital. आपको कलवरी हॉस्पिटल में जाना होगा। To get forgiveness of all our sin. अपने सारे पापों को क्षमा पाने के लिए, Before we die, मरने से पहले, we have to know God has forgiven all our sin. परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। Look at these two ladies. ये दो औरत को देखें। They were trying to take a picture snap. उन लोग अपना मतलब फोटो लगाना चाह रहे थे। Just four second, एक सेकंड के समय, the stone was splitting. Stone. पत्थर जो था ना, फिसल गया पत्थर। The place there where they are sitting, that the big stone was splitting. वो जो जिस जगह में पत्थर में जो बैठा था ना, वो फट गया है। And after four second, कुछ चार सेकंड के बाद, they can't talk. बातचीत नहीं कर सका। See, even we don't know after four second what will happen in our life. चार सेकंड के बाद भी क्या होगा हमें नहीं जानता। We don't know what will happen tomorrow. कल क्या होगा हम लोग कुछ भी नहीं समझ जानता है। We have to think ourselves. अपना आपको सोचना है। We will die. मर जाएंगे। Everyone. सब लोग मर जाएंगे। After that, there will be resurrection. मरने के बाद फिर पुनरुत्थान, जी उठना होगा। Some will have eternal life. कुछ लोग अनंत काल जीवन मिलेगा। Some will be condemned. कुछ लोग दोषी ठहराया जाएगा। Having eternal life are born again, a true Christian. जो सच्चे मसीह लोग हैं, जिन्होंने यीशु का उद्धार पाया है, but who are condemned are going to hell. पर जो लोग दोषी ठहराया जा रहा है, उन लोग नरक में जाएगा। So our spirit is very important. इसीलिए हमारा आत्मा बहुत ही जरूरी है। Which is more important, house or the man? इस घर और अपनी कौन महत्वपूर्ण है? घर को महत्वपूर्ण है? House or the man? Which one is more important? Man. मनुष्य को। In the same way, spirit and body, which one is more important? आत्मा और शरीर कौन से महत्वपूर्ण है? Spirit. For this spirit, इस आत्मा के लिए, we are preaching now. प्रचार कर रहे हैं हम लोग। You may be tired. आप थकान भी हो। It's just 1.5 hours. केवल हाफ घंटा भी हो। But you are walking every day for your physical body. आप रोज पर रोज आपका शरीर के लिए आप काम करते हो। The whole year. सारे साल। You want money. आप कमाते हो। You study. आप पढ़ाई करते हो। You do whatever possible. जो सकता है वो पूरा करते हो आप। Of course this time. इस समय आप। During this night conference. इस night conference के समय, we have to think for our spirit. अपना आत्मा के बारे में हमको सोचना होगा। Are you truly a Christian or nominal Christian? आप सचमुच अच्छा मसीह है और नामधारी क्रिश्चियन? Where did you know Jesus forgive all your sins? कब आपको जाना कि यीशु मसीह ने तुम्हारा पाप को क्षमा किया है? When did you become truly born again? आप कब से यीशु मसीह का नया जन्म मिला है? Without being born again. बिना नया जन्म में? Even if you come every year for a conference. हर साल तुम कॉन्फ्रेंस में आओगे? You cannot go to heaven. स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकोगे। So knowing that God forgiven all our sin is more important. इसीलिए सारे हमारे अपराधों को क्षमा हुई है बोल समझना, मालूम होना बहुत जरूरी है। Even the Bible, इसलिए परमेश्वर बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य
सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि ठहराए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? Even if you have the whole earth, सारे या अब पूरा पृथ्वी या जगत को तुम प्राप्त करो, if you die, अगर आप मर जाओगे, useless, काम का नहीं है. After we die, मरने के बाद, our spirit, हमारी आत्मा, if we are not born again, यदि आपको नया जन्म नहीं मिला, we go to hell, आपको नरक जाएगा. Because of that, इसी के कारण, our spirit is very important, हमारी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है. Our body is made from dust. हमारा शरीर जो है मिट्टी से बनाया है. We return to a dust. उसको फिर मिट्टी में जाएगी. God gave us a spirit. परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है. We return back to heaven. वो परमेश्वर के पास फिर जाएगा. Look at this. Your spirit and the world. आपका आत्मा और पृथ्वी. If you wait it. अगर आप उसको तोड़ोगे, which one will be more heavy? कौन सा वाला भारी पड़ेगा? Your spirit all the world. पूरा संसार और आपका आत्मा को आप ऐसे तोड़ोगे तो कौन भारी होगा? Your spirit is more value than the whole earth. पूरा जगत से भी आपका आत्मा कीमती है. Jesus died for your spirit. यीशु मसीह आपका आत्मा के लिए मरा है. Not for your life. केवल आपका जीवन जिंदगी के लिए नहीं. Not for becoming a rich. केवल हम लोग धनी बनने के लिए नहीं. Jesus loved your spirit. यीशु मसीह आपका आत्मा को प्यार करता है. He died for us. हमारे लिए मरा है. That's why our spirit is important. इसीलिए हमारा आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है. Why it is more important? किसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है? Together, 1, 2, 3. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियम है. We'll die. मर जाएंगे. After death, मरने के बाद, there will be judgment. न्याय होना नियम है. That judgment is for our spirit. हमारा शरीर जो है आत्मा के लिए है. That's why we need to have a true salvation. इसीलिए उद्धार अच्छा से पाना बहुत जरूरी है. Only after we have a true salvation, अच्छा सच्ची उद्धार जब हम पाएंगे, we can be faithful until then. मसीह के लिए मरने प्राण देने तक विश्वास योग बन सकोगे. We born, जन्म लेते हैं. Then we have life, जिंदगी पाता है. Then we will die. जब हम मर जाएंगे, after death, मरने के बाद judgment, न्याय किया जाएगा. Some will go to heaven, कुछ लोग स्वर्ग जाएगा. Some will go to hell, कुछ लोग नरक जाएगा. Which one you will go? कौन सा जगह में आपको जाएगा? So the conclusion of our life is God's judgment. हमारे जिंदगी का जो अंत ये है परमेश्वर का न्याय. Who am I before God? परमेश्वर के सामने मैं कौन हूँ? Where do we go after death? मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है? Only two ways. केवल दो रास्ता. No, if I'm not born again. यदि आपको उद्धार नहीं पाया, you'll go to hell. नरक जाओगे. यदि आपने जन्म मिला है, एंजल विल कम, स्वर्गदूत आएगा, एंड वी विल लिव इन इटर्नल, हम लोग अनंत काल के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है. सो टुनाइट, आज रात के लिए, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, टेक इट मोर इंपॉर्टेंट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन सुनना महत्वपूर्ण समझो. I want to present many pictures. मैं आपको बहुत से ज्यादा पिक्चर देना चाह रहा था. But because of the limited time. इसी limited time के कारण से. I may not be able to present whatever I want. जो मैं चाहता हूँ वो पूरा मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको. But
some of the most important things that we see even in the next message. So next message में जो बड़े-बड़े महत्वपूर्ण तास्किरों को आपको दिखाऊंगा. So whatever we are preaching, जो कुछ भी हम लोग यहाँ से प्रचार करेंगे, that's important. बहुत महत्वपूर्ण है. So shall we look to God in prayer? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Thank you, Lord, for helping us tonight. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें मदद मिला, मदद किया है. Whatever we listen tonight, जो कुछ भी हम लोग सुना है, speak to us. आप हमारा दिल में बातें करें. Enable us to know you more and more. आपको और गहराई से जानने के लिए मदद कीजिए. Even for the coming programs. जो आने वाले प्रोग्राम में भी continue to guide us. हम हमेशा में अगुवाई करें. We give you glory and honor to you. आदर महिमा आपको देते हैं. In Christ Jesus name we pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen.